हेलो फैमिली, कान्हा कली फूड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सबके साथ शेयर करेंगे कच्चे आलू और गेहूं के आटे से बनी कुछ चटपटी सी रेसिपी। तो चलिए, इस चटपटे से रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक आलू लिया है जिसको हमने छीलकर पानी में डाल दिया है जिससे कि ये काले ना पड़े। एक कप गेहूं का आटा हमने यहाँ पर, एक आलू और एक कप गेहूं का आटा लिया है। हमने बड़ी है तो आप आटे और आलू की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको कद्दूकस कर लेंगे। बोल अब इसमें हम डालेंगे जो हमने आलू को कद्दूकस किया है। अब इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा जो हमने लिया है। ये वही नॉर्मल सा गेहूं का आटा है जिससे हम पूड़ी, पराठे या चपाती बनाते हैं। यहाँ पर हमने आटे को डाल दिया है तो आप चाहे इसकी जगह पर कॉर्नफ्लावर ले सकते हैं, बेसन या फिर मैदा, नहीं तो आप सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जो उपलब्ध हो आप ले सकते हैं, वो आपको भी मिलते हो। हेल्दी रखना चाहते हैं तो फिर आप गेहूं का आटा ही लें। फिर यहाँ पर हमने डाली है चिली फ्लेक्स। फिर हम डालेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला। फिर इसके बाद डालेंगे हम नमक। इस बात को ध्यान में रखते हुए नमक डालें कि जो हमने चाट मसाला डाला हुआ है उसमें भी नमक होता है। हमने डाला है एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। के बाद डालेंगे ढेर सारा कटा हुआ धनिया। अगर आपको करी लीफ का पेस्ट पसंद है तो आप उसे भी कट करके इसमें सबको ऐसे ही मिला लेंगे, क्योंकि जो आलू होता है उसमें बहुत पानी होता है। अगर हम इसमें और पानी मिक्स कर देंगे तो ये बहुत गीला हो जाएगा। हमें इस बैटर को ज़्यादा गीला नहीं रखना है, बस हमें इतना ही गीला बनाना है जैसे हम पकौड़ों का बैटर बनाते हैं। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। ये नाश्ता बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर लम्स फ्री बैटर बना के तैयार कर लिया है। अभी इसमें हम 1 टीस्पून पानी और ऐड करेंगे, क्योंकि जो हमारा बैटर है ये थोड़ा सा भी थिक है। देखिए हमारा बैटर बनके बिल्कुल तैयार है। तो हमें ऐसे ही रखना है और इस बैटर को हम तुरंत बनाना शुरू करेंगे। इसको हम रेस्ट करने के लिए नहीं रखते। फ्राई पैन लिया है, इसको हमने गैस पर रख दिया है। 1 टेबल स्पून ऑयल। नाश्ते के लिए हम ज़्यादा ऑयल का यूज नहीं करेंगे। इस नाश्ते को हमें हेल्दी बनाना है तो यहाँ पर हम कम ऑयल का यूज करेंगे। यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल हाई करेंगे। ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। गैस के फ्लेम को लो करने के बाद ही हम इसमें मटर को डालेंगे और ऐसे हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको ऐसे ऐसे फैला देंगे, राउंड शेप दे देंगे इसको हम ऐसे। हमारा पैन यहाँ पे थोड़ा बड़ा है तो हम इसमें 3 एक साथ आराम से बना लेंगे। अभी नहीं पलटेंगे, नीचे से हम पहले अच्छे से सेक लेंगे तब हम इसको पलटेंगे। अगर हम इसको अभी पलटेंगे तो ये टूट जाएगा।
इस नाश्ते को अगर आप नरम या सॉफ्ट बनाना चाहते हो तो आप इसे ढक के कुक कर सकते हो। इस नाश्ते को हम कुरकुरा बनाएंगे, इसीलिए हम इसको ढक के कुक नहीं करेंगे। तो ये देखिए, हम इसको अब ऐसे पलट देंगे क्योंकि ऊपर से ये पक चुका है। पलटने के बाद इसको हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर से दबा देंगे जिससे कि ये नीचे से भी अच्छे से कुक हो जाए। तो ये अच्छे से हमारा कुक हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेंगे। बाकी के बचे नाश्ते को भी ऐसे ही बना लेंगे। तो बनाने के लिए आप इस नाश्ते को सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं या फिर शाम की चाय के साथ भी ये नाश्ता बना सकते हैं। नहीं तो रात में कुछ हल्का खाने का मन हो तब भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। और आप इसे एक बार ट्राई जरूर करिएगा क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होता है। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि हमारी वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।